एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे थे कि एक्सचेंज रेट आपका जो होता है, जब आप कंट्री की करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करते हो, तो हम उसको कैसे करते हैं, उस पर उसके लिए कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज बनाई गई हैं जिसके बेस पर, जिनको स्टडी करके हम अपने एक्सचेंज रेट को, अपने विनिमय दर को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी मिंट पैरिटी थ्योरी। मिंट पैरिटी थ्योरी में हमने देखा था कि जब हमारे देश में और सामने वाले देश में जो मुद्रा चल रही है वो किसी मेटल की होती है, किसी धातु से बनी होती है, तो हम क्या कर रहे थे, उस धातु के भार के आधार पर हम क्या कर रहे थे, अपना एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहे थे। पहली कंडीशन तो ये थी कि हमारे देश में और सामने वाले देश में धातु की मुद्रा चल रही थी, मेटल की करेंसी थी, है ना, मेटलिक स्टैंडर्ड चल रहा था। और एक दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे देश में या सामने वाले देश में मेटलिक स्टैंडर्ड तो नहीं था, धातु की मुद्रा तो नहीं चल रही थी, पर हमारे देश में जो मुद्रा चल रही थी, जो करेंसी हमारे कंट्री में सर्कुलेशन में थी, वो करेंसी बैक्ड अप थी, है ना, किसी ना किसी मेटल से वो बैक्ड अप थी। जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें दो कंडीशंस होती थी, या तो वो गोल्ड की बनी होगी या फिर गोल्ड से बैक्ड अप होगी, गोल्ड में कन्वर्टेबल होगी, करेक्ट। तो उसके बेस पे हम क्या कर रहे थे, अपना एक्सचेंज रेट निकाल रहे थे। फिर हमने पढ़ा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो उसमें हमने देखा कि जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमारा 1918 के बाद का जो समय था वो आया, तो पेपर करेंसी आ गई, पेपर करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो हो गया, है ना, हमारी इकोनॉमी में। मेटलिक स्टैंडर्ड्स पे जितने भी कंट्रीज़ पहले चल रही थी वो मेटलिक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाई, गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से उसके बाद वो क्या हो गया, वो पेपर करेंसी पर आ गई। तो जब पेपर करेंसी पर आ गई, ना उनकी करेंसी उस मेटल में रह गई और ना ही उनकी करेंसी जो चल रही है, जो पेपर करेंसी है, वो मेटल में बैक्ड अप रह गई, तो उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी को अडॉप्ट किया। और पेपर करेंसी के मामले में जो हमारा एक्सचेंज रेट था, जो विनिमय दर थी, वो कैसे निर्धारित की जाने लगी, परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ये देखते थे कि एक बंडल ऑफ गुड्स, है ना, हमारे देश में कितने का मिल रहा है और सामने वाले देश में जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर कितने का मिल रहा है, और उसको डिवाइड करके हम निकाल लेते थे कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना निकल के आएगा। ये आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में। फिर आपने देखा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म आपने देखे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे अजम्पशंस ले लिए गए थे जो कि फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं था। परफेक्ट मार्केट को कंसीडर करना, फ्री ट्रेड मानना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़ीरो मानना, तो ये सारे अजम्पशंस को लेकर चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद एक नई थ्योरी डेवलप हुई जो, जिसे हम कहने लगे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, कहीं कहीं पर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी लिखा मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी लिखा मिलेगा। अच्छा, तो जब हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी की बात करते हैं तो आप इसे कह सकते हो ये मॉडर्न थ्योरी है, क्योंकि सबसे जो ट्रेडिशनल थी वो मिंट पैरिटी थी, उसके बाद परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर अच्छा थ्योरी किसने डेवलप की थी, गस्टव कैसल ने की थी, और किस ईयर में की थी, 1918 के बाद की थी। और जो आपका मिंट पैरिटी थ्योरी थी उसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था वो किस टाइम पीरियड में चल रहा था, 1914 से 1918 तक चल रहा था, ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारी आई मॉडर्न थ्योरी, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बीओपी थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीओपी थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी का कि ये आखिर होती क्या है, ठीक, बीओपी थ्योरी ये आखिर होती क्या है। द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट अ फ्री एक्सचेंज रेट टेंड्स टू बी सच एज टू इक्वेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा एजम्पशंस ऐसे नहीं डाले गए हैं जो बाद में उसकी लिमिटेशन बन जाएँ, वो कौन सी थ्योरी है, वो आपकी है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में जनरली बोला गया है कि आपका जो डिमांड और सप्लाई होता है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वही जो पॉइंट होता है उसी पर हमारा एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिटरमाइन होता है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व गिव्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या मतलब हुआ कहने का,
जहाँ पर आपका मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटता है, वह स्थान, वह जो बिंदु होता है, वही हमारा क्या होता है, संतुलन बिंदु होता है। और उसी संतुलन बिंदु पर हमें अपना संतुलन मूल्य प्राप्त होता है, है ना। एक्सचेंज रेट हम कैसे तय करेंगे, एक्सचेंज रेट तय करने के लिए इन्होंने बोला कि जो आपका डिमांड कर्व होगा और जो आपका सप्लाई कर्व होगा, वो जिस जगह पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को मिला देंगे, और वो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। उस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हमें मिल जाएगा। हमारी जो करेंसी है उसका जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो कैसे होगा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के एक दूसरे को कट करने से, इंटरसेक्ट करने से जो पॉइंट मिलेगा वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को किस पर छोड़ दिया, एक तरह से मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस ही आपकी डिटरमाइन करेंगी कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, है ना, आपका डिमांड सप्लाई क्या होगा और उसके बेस पर आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा है, मॉडर्न थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी ऊपर कि जो आपकी मॉडर्न थ्योरी है डिमांड एंड सप्लाई की, उसे हम और किस नाम से जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी कहते हैं, आखिर डिमांड एंड सप्लाई का और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कनेक्शन है, तो ये अभी हम आगे देखेंगे। आई थिंक अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये थ्योरी हमारी मॉडर्न थ्योरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये हमारी मॉडर्न थ्योरी है। मिंट पैरिटी ट्रेडिशनल थी, उसके बाद परचेजिंग पावर आई, उसके बाद हमारी डिमांड एंड सप्लाई कह लो या बैलेंस ऑफ पेमेंट कह लो, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बना, ये जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है ये हमारी किस में आती है, मॉडर्न थ्योरी में आती है, ठीक है, या मॉडर्न थ्योरी इसे कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा बना कि जो हमारा एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, विनिमय दर का निर्धारण होता है, वो किसके आधार पर होता है, वो हमारे मांग वक्र और पूर्ति वक्र के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है ना। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट के बेस पर, उस बिंदु के आधार पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है, और उसके बेस पर हम निकालते हैं कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा, सामने वाली जो दूसरा देश है उसकी करेंसी के बदले में हम कितने मूल्य पर अपनी करेंसी, अपनी मुद्रा देंगे, है ना। तो उसके बेस पर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। आगे देखते हैं इस थ्योरी में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी गिवन डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स देयर इंटरसेक्शन डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। ये मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी बेस पर आपका क्या होगा, विनिमय दर का निर्धारण होगा, ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। फिर सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लोअर द प्राइस ऑफ करेंसी द ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर इट एंड देयर फोर द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये आपको कुछ अलग नहीं बताया गया है, अगर आपको ध्यान हो आपने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन विच इट स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बताया गया है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है QD है, और जो आपका प्राइस है ना, पी फॉर प्राइस एंड क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया नीचे वाला, और ये आपका जो वर्टिकल है ये आपका हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमेशा हम प्राइस दिखाते हैं, एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है और जो प्राइस है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे से जो संबंध होता है दोनों का, वो एक साथ घटता है, एक साथ बढ़ता नहीं है। जब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, जब पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, उल्टा संबंध होता है दोनों के बीच में, है ना। तो इस वजह से, इनवर्स रिलेशन होने की वजह से ही जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है ना। जो उसका स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। आपने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ पढ़ी होगी, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए दो पॉइंट ले लीजिए, ये आपका P1 है और ये आपका P2 है। P1 पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, Q1 था। सपोज ये पॉइंट मान लीजिए ये Q1 है, ठीक है, Q1 था, और आपका P2 पर कितना था, Q2 था। तो देखिए P1 से जब हम P2 पर आए, यानी कि हम जब नीचे आए, जब हमारा प्राइस कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई,
है ना, इनवर्स रिलेशन है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। और अगर आप P2 से P1 पर जाओ, ऊपर की तरफ देखो, P2 से अगर आप P1 की तरफ जाते हो, आपका प्राइस बढ़ जाता है, आप ये देखते हो, तो आप क्या होगे, Q2 से वापस Q1 पे आ जाओगे। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका प्राइस बढ़ा, वैसे ही आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गया, है ना। यही बताया गया है आपके लॉ ऑफ डिमांड में, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और आपका सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई वो बताता है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई, है ना, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपके प्राइस को हम बढ़ाएंगे, सप्लाई भी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आपके सप्लाई करने वाले जो सप्लायर्स हैं, जो बिजनेस पर्सनस हैं, उन्हें क्या दिखेगा, उसमें प्रॉफिट दिखेगा, और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाने लग जाएंगे। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही इसमें आपको बताया गया है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है, लोअर द प्राइस ऑफ करेंसी एंड ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर इट। जैसे जैसे प्राइस कम होगा, लोअर द प्राइस एंड द ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर इट। जैसे प्राइस जितना कम होगा, डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, देयर फॉर द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। यही रीज़न होता है हमारे जो हमारा डिमांड कर्व है उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग का। फिर आपके थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला है द सप्लाई कर्व, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो डिमांड एंड सप्लाई की, तो आपको पहले तो डिमांड एंड सप्लाई को समझना पड़ेगा और उसे लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको पहले तो डिमांड और सप्लाई को समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस थ्योरी को कंटिन्यू करोगे। इस वजह से यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के लिए थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने लिया है। थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, indicating that lowering the value of price of the currency tends to contract the supply, है ना। जैसे जैसे price कम हो रहा है, वैसे वैसे आपकी supply भी कम हो रही है। contract मतलब कम होना। यहाँ पर आप इसका कुछ alternate word use कर लीजिएगा अगर आपको ये tough लगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऊपर second वाले point में देखिए lower and greater word use हुआ है ना, तो inverse आपको दिख रहा है, opposite words दिख रहे हैं, lower and greater, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, lower and कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आपका सिमिलर एक तरह से वर्ड्स हैं। तो जो आपका सप्लाई वाला जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट है, सिमिलर बढ़ रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका डिमांड के केस में क्या हो रहा है, आपका प्राइस बढ़ रहा है तो जो आपका डिमांड है वो घट रहा है, और आपका जो प्राइस घट रहा है तो आपका डिमांड बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स होता है, किसमें, प्राइस में और QD में। और ऑन द अदर हैंड अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होता है, और इसी वजह से जो दोनों फैक्टर्स आपके होते हैं वो दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक, है ना, डिमांड एंड सप्लाई का कुछ बेसिक हो गया। अब हम इस थ्योरी पर आते हैं वापस से। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। क्यों लिखा है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हो, है ना। यहाँ पर जो अगर हम फिक्स्ड की बात करते तो आपका जो रेट है वो कौन फिक्स कर देता, गवर्नमेंट फिक्स कर देती, पर यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं। जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ रहे हो वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, कि जब आपके सिस्टम में फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, या जिसे आप कह सकते हो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, वो किस पर फोकस कर रही है, वो फोकस कर रही है मार्केट फोर्सेस पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों को क्या माना जाता है, आपकी मार्केट फोर्सेस माना जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होगा, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी विल डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। क्या मतलब हुआ कहने का, जो आपके करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू है, यानी कि बाहर के देशों में उसकी जो मांग है और आपके देश से उसकी जो पूर्ति है, उसके आधार पर तय होगा कि उसकी बाहरी मूल्य क्या है, उसका बाहरी मूल्य करेंसी का क्या है, है ना। जो आपके देश की मुद्रा है उसका बाहरी मूल्य क्या है, बाहर के देशों को आपकी मुद्रा कितने में मिलेगी, बाहरी मूल्य मतलब जो अन्य देश हैं उनको आपकी मुद्रा कितने मूल्य में, कितने कीमत पर मिलेगी, ये कैसे तय होगा,
वहाँ पर आपकी करेंसी की क्या डिमांड है और आपके यहाँ से उसकी कितनी सप्लाई है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसका मूल्य कितना होगा। इसलिए हम इसको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कहते हैं और देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ कट कर रही है, क्योंकि डिमांड कहाँ से आएगी, बाहर की कंट्री से आएगी। डिमांड तो वो लोग करेंगे ना, बाहर की कंट्री के लोग या बाहर की कंट्री के ट्रेडर्स, और सप्लाई आप कर रहे हो, है ना, आपकी कंट्री में, क्योंकि वो करेंसी प्रिंट हो रही है तो आप सप्लाई कर रहे हो। तो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट हो जाएगा वहीं पर हमारा रेट डिटरमाइन हो जाएगा, प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड बाय वेरियस आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आ गई। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट शायद आपने इससे पहले किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जिसे हम शॉर्ट में BOP लिखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका इस कंट्री में भी आपकी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हो। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हो कि नहीं करते हो? आप देखते हो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस आपको देखना है, चेक करना है, अपने देखने हैं कि एक्सपेंसेस कितने हुए और इनकम कितनी हुई, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। या अगर आपको देखना है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो आप क्या करते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, है ना। वैसे ही अगर आपको अपनी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को ध्यान रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को कंसीडर करना है, आपको देखना है कि आपको कितना भुगतान करना है और आपकी प्राप्तियाँ कितनी हैं, तो आप क्या करते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, है ना, सरप्लस और डेफिसिट उसमें निकाल के देखते हो कि क्या ज़्यादा है। तो वैसे ही जब हम अन्य देशों से व्यापार करते हैं, बाहर के देशों से जब हम व्यापार करते हैं, जब ट्रेड करते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो जितने भी मोनेट्री ट्रांजेक्शन है, जितने भी मौद्रिक हस्तांतरण हुए होते हैं आपके देश के अन्य देशों से, उसे रिकॉर्ड करके रखता है, उसका एक जगह पे संकलन करके रखता है ना, एक जगह पे लिख के उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, आपके देश को कितना भुगतान करना है, कितनी प्राप्तियां मिलनी है। तो इससे क्या होता है, एक तरह से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जैसे कि आप बैलेंस शीट और PNL अकाउंट वगैरह बना रहे थे, किस लिए बना रहे थे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए तो बना रहे थे कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा चल रही हैं या आपकी एसेट ज़्यादा हैं, है ना, इसलिए आप बनाते हो बैलेंस शीट और PNL अकाउंट। तो वैसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बनाते हैं जब हमें बाकी की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखना होता है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन देखो तो ये क्या होता है, ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो उन सभी मोनेट्री ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो एक देश, एक कंट्री विश्व के अन्य सभी देशों के साथ कर रहा होता है ना। आपका देश विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन करेगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जितने भी देश हैं एक्सेट्रा, उन सबके साथ वो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करेगा, जितनी भी मौद्रिक हस्तांतरण करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा और उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ये भी बताता है कि आप डेफिसिट में हो कि सरप्लस में हो। अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा है आपके इम्पोर्ट से, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा है, वो फेवरेबल है। वो कैसा है, वो फेवरेबल है, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट हम किसे कहते हैं, एक्सपोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं निर्यात और इंपोर्ट को कहते हैं आयात, ठीक। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ आप सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हो, और इंपोर्ट मतलब कम से कम आप खरीद रहे हो, मतलब आप जो सामान खरीद रहे हो वो कम है और जो बेच रहे हो वो ज़्यादा है। इसका एक मतलब ये भी तो हुआ कि आपने 2 लाख रुपए का, सपोज आप एज्यूम कर लो, आपने 2 लाख रुपए का सामान बेचा और आपने 1 लाख रुपए का सामान वहीं से, उसी देश से खरीदा, तो आप क्या हो, आप 1 लाख रुपए के सरप्लस में चल रहे हो। उस केस में आप क्या है, 1 लाख रुपए के सरप्लस में चल रहे हो। आपने 2 लाख रुपए का सामान बेचा है, जो आपने सामान बेचा है वो आपको क्या होगा, वो रिसीव होगा, वो जो पेमेंट है वो आपको रिसीव होगा, और जो सामान आपने खरीदा है वो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो
तो देखा जाए तो हम क्या है, हम सरप्लस में, हम 1 लाख रुपीज़ के सरप्लस में चल रहे हैं इस कंडीशन में, क्योंकि आपको जो मिलने वाले हैं, जो मिलने वाला अमाउंट है वो ज़्यादा है और जो आपको भुगतान करना है अपनी तरफ से वो कम है। तो इस वजह से कहा जाता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है, हमारा जो भुगतान शेष है वो कैसा है, वो अनुकूल है। हिंदी में आप देखोगे तो आपको मिलेगा भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हिंदी, और फेवरेबल मीन्स अनुकूल, तो वो अनुकूल मिलेगा अगर आपके इम्पोर्ट कम है एक्सपोर्ट से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारी आती है, अगर आपके इम्पोर्ट ज़्यादा हैं आपके एक्सपोर्ट से, अगर आपके सपोज आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो किसी कंट्री से, आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट वहाँ पर कम कर रहे हो, कहने का मतलब है वहाँ से जो आप सामान खरीद रहे हो ज़्यादा खरीद रहे हो और वहाँ पर बेच कम रहे हो। सपोज आपने किसी कंट्री में 2 लाख का सामान बेचा, ठीक है, 2 लाख का सामान बेचा, तो 2 लाख का सामान बेचने का मतलब है 2 लाख रुपए आपको रिसीव होंगे, है ना, इन फ्यूचर आपको 2 लाख रुपए रिसीव होंगे या आपको रिसीव हो गए होंगे। आपने वहीं से 4 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, क्या मतलब हुआ, 4 लाख रुपए का सामान जब आप खरीद रहे हो तो इसका मतलब है 4 लाख का आपको पेमेंट करना है, तो आपको पेमेंट ज़्यादा करना है और रिसिप्ट आपकी कम है, मिलने वाला पैसा जो है वो 2 ही लाख है और आपको जो देना है वो 4 लाख है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 2 लाख रुपए के डेफिसिट में हो, 2 लाख रुपए का आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है एक तरह से, है ना, 2 लाख रुपए का आपको घाटा हो रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से चुकाने हैं। अगर इस 2 लाख की हम बात करें तो ये तो इस 4 लाख के 2 लाख में से ऑफसेट हो जाएगा ना, है ना, यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा एक तरह से, लेकिन जो 2 लाख रुपए का बैलेंस बचा है उसका पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, तो वो आपका क्या है, वो डेफिसिट है। तो जब आप डेफिसिट में होते हो तब हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है यानी कि आपका भुगतान शेष क्या है, प्रतिकूल है। तो जो सबसे अच्छी कंडीशन होती है वो ये होती है कि ना हम अनुकूल की स्थिति में हो ना हम प्रतिकूल की स्थिति में हो। अगर हमारा जो दोनों साइड्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो इक्वल हो जाए, मतलब ना हमें कुछ देना है ना हमें कुछ लेना है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो क्या हो जाए, वो ज़ीरो हो जाए, तो ये होती है कंडीशन बैलेंस की, बैलेंस कह लो या इक्विलिब्रियम कह लो, है ना, बैलेंस्ड कंडीशन में हम होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है कि ना हमें कुछ देना है ना हमें कुछ लेना है, पर ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। जब हम कंट्रीज से अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को मैच करते हैं तो कभी हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा निकलता है कभी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा निकलता है। तो थर्ड पॉइंट को अब देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड बाय द आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री। क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है आपकी कंट्री में करेंसी की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कैसे डिसाइड होगी, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेस पर डिसाइड होगी, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आइटम्स हैं और उन आइटम्स में कितना कितना अमाउंट है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका डिमांड और सप्लाई कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपको 4 लाख का पेमेंट करना है और आपको 2 लाख रुपीज़ क्या होने हैं, रिसीव होने हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब 2 लाख रुपए रिसीव होंगे तो जो बाहर की कंट्री है, जो फॉरेन कंट्री है, उसमें 2 लाख रुपए की डिमांड होगी, है ना, 2 लाख रुपए आपको मिलने हैं, यानी कि जो बाहर का देश है, जो विदेशी हैं, उन्हें 2 लाख रुपए अरेंज करने पड़ेंगे, 2 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आपकी कंट्री की करेंसी में वो पेमेंट करेंगे। पर आपको कितने का पेमेंट करना है, आपको 4 लाख का पेमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 लाख अरेंज करने पड़ेंगे, है ना, बाहरी जो फॉरेन करेंसी है उसकी आपके देश में डिमांड कितनी है, 4 लाख, और जो फॉरेन कंट्री है उसमें आपके देश की करेंसी की डिमांड कितनी है, 2 लाख रुपए। आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड कम है और आपके पास फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू होगी वो भी तो बढ़ जाएगी ना, जब आपको ज़्यादा मात्रा में उनकी करेंसी चाहिए है तो उनकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, उनकी जो करेंसी है वो आपकी करेंसी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हम करेंटली अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका और इंडिया की, तो आप देखते होंगे डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहता है ना, रुपीज़ के कंपैरिजन में डॉलर की जो वैल्यू है, जो कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा। अगर 1947 की बात करें तो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था, और आज 2021 की बात करें तो हमारा 1 डॉलर 70, 72, 75 ऐसे रुपए चलता है। तो जो हमारा हमारी जो करेंसी है, हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, उसकी वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम है
और डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो अमेरिका है वहाँ से हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ से जो हम सामान खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, और भारत से जो सामान बेचा जाता है अमेरिका को वो बहुत कम है, है ना। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है और इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर अमेरिका के हम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनका इम्पोर्ट बहुत कम है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इसी वजह से हमारे देश में जो डॉलर की डिमांड है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से ही डॉलर के वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके जो आइटम्स हैं, मतलब आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो कितना है, इस पर ही डिपेंड करेगा कि जो मार्केट फोर्सेज हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कितनी रहेगी, और डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सचेंज रेट कितना रहेगा। अभी आपने देखा ना कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो आपका जो आपके यहाँ की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती है, और आपके यहाँ अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड आपकी कंट्री में बढ़ जाती है। तो जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या तय कर रहा है, वो डिमांड एंड सप्लाई को कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। फिर देखिए लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू फॉल एंड डेप्रिसिएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है, अब डेफिसिट की कंडीशन कब होगी, अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपके इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट कम होंगे तो आप किस में होंगे, अगर आपके इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, है ना, एक्सपोर्ट से, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई मीन्स इम्पोर्ट, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट। अगर आपके इम्पोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से तब आप डेफिसिट की कंडीशन में हो, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहे हो, बिक कम रहा है आपका सामान। और अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से तो उसमें आप किस में होते हो, सरप्लस की कंडीशन में होते हो। और अगर आपके इम्पोर्ट इक्वल हो जाते हैं तो आप होते हो बैलेंस्ड कंडीशन में, फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे ना आपका सरप्लस है ना डेफिसिट है, पर जनरली हम देखते हैं कि ये दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं, या तो आप सरप्लस में होते हो या आप डेफिसिट में होते हो। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से आपके, आपको जो मिलने वाला जो पेमेंट है वो कम है, आपको जो पेमेंट करना है वो ज़्यादा है, तो आप डेफिसिट में हो, घाटे में हो। और अगर आपको जो पेमेंट मिलनी है, यानी कि आपकी जो रिसिप्ट हैं वो आपकी पेमेंट से कहीं ज़्यादा हैं, तो आप क्या हो, आधिक्य की स्थिति में हो, सरप्लस की स्थिति में हो, है ना। तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अगर डेफिसिट में है तो ये हमारे लिए गलत होता है, ये हमारे लिए एक तरह से अनफेवरेबल होता है ना, ये हमारे लिए अनफेवरेबल होता है और सरप्लस हमारे लिए फेवरेबल होता है। अब अगर हम डेफिसिट की कंडीशन में हैं, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान शेष में घाटा दिख रहा है हमें, तो इसकी वजह से जो हमारी करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, फॉल करती है ना, लीड्स टू अ फॉल। देखिए लिखा है ना, अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू अ फॉल और डेप्रिसिएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। आप कह सकते हो कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, जो कि आपके लिए एक अनफेवरेबल साइन है, एक अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो आपकी करेंसी होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो घट जाएगी, है ना, आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा, है ना, घट जाएगा पहले से, ठीक है, दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की होपफुली आपको डेफिनेशन याद होगी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप रिलेटिवली देखते हो, कंपेयर करते हो किसी फॉरेन करेंसी से, तो आपकी करेंसी का वैल्यू जब बढ़ता है तब आप क्या कहते हो, एप्रिसिएशन हो गया, है ना, वैल्यू जब बढ़ती है तो आप कहते हो एप्रिसिएशन हो गया, और जब वैल्यू घटती है तब आप कहते हो डेप्रिसिएशन हो गया। पर ये आप देखते हो कैसे हो, आप रिलेटिवली देखते हो, कंपैरिजन करके देखते हो, है ना, सिर्फ अपने देश की करेंसी नहीं, अपने देश की करेंसी की वैल्यू बाहर के देश के किसी करेंसी के साथ कंपेयर करके देखते हो, उसके बाद आप निकालते हो कि आप डेप्रिसिएशन में जा रहे हो या एप्रिसिएशन में। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर आपके इम्पोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, यानी कि आपके आयात निर्यात से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको रिसीविंग कम होगी। इसका एक ये भी मतलब है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में चला जाएगा। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चला जाएगा तो ये आपके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देगा, आपके लिए प्रतिकूल स्थिति बना देगा। और जब आपकी
आपके लिए ही प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी मुद्रा का मूल्य है वो घट जाएगा, जो आपकी मुद्रा है वो बाहर के देशों की मुद्रा के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, और उसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसी से कनेक्ट करता हुआ आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपकी यही दो पॉइंट्स हैं आपके जो इस पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे तो इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, पर आपकी जो थ्योरी है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कौन से पॉइंट्स कर रहे हैं, ये जो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 हैं, ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। इसमें देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है, अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेथेंस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कॉजिंग एन एप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपको इसके ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया है तो इसी को रिवर्स कर दिया गया है। जो नीचे वाला पॉइंट है वो कुछ अलग नहीं है, बस उसी कंडीशन को रिवर्स कर दिया गया है। देखिए लिखा है कि अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होगा, यानी कि आप किस वाले कंडीशन पे होगे, आप सेकेंड वाली कंडीशन पे होगे, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, आपको जो मिलने वाली प्राप्तियाँ हैं वो अधिक हैं और भुगतान आपको कम करना है, तो अगर आपको 200,000 मिलना है और 100,000 आपको देना है तो ऑब्वियसली बात है ना, आप 100,000 के सरप्लस में चल रहे हो, और अगर आप सरप्लस में चल रहे हो आपको मिलने वाला जो पैसा है वो अधिक है, तो आप क्या हो, आप फेवरेबल कंडीशन में हो। जब आप फेवरेबल कंडीशन में हो तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी करेंसी है उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी जो करेंसी है वो बाकी की करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाएगी, और जब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, आपकी करेंसी क्या हो गई, बाकी की करेंसी के कंपैरिजन में एक तरह से उसमें एक एप्रिसिएशन देखने को मिला। वही चीज़ लिखी है, अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेथेंस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हो कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, सेम थिंग, दोनों बातों का मतलब एक ही है। कॉजिंग एन एप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के कंपेरिजन में जो आपके देश की मुद्रा है, होम करेंसी यानी कि जो आपके देश में चलने वाली मुद्रा है, उसके प्राइजेस में क्या देखने को मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, आपका जो वैल्यू है करेंसी का वो क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। यही चीज़ मैंने यहाँ बताई थी कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड देख लेते हैं आज के लेक्चर की। अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्लाइज दैट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सीडिंग इट्स सप्लाई। अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको डेफिसिट देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो आपकी डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है ना। कैसे, अभी आपने देखा, पहली बात तो डेफिसिट की कंडीशन कब आएगी, देखिए डेफिसिट की कंडीशन आएगी जब आपके क्या ज़्यादा होंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, है ना, इम्पोर्ट ज़्यादा है। इम्पोर्ट ज़्यादा है का क्या मतलब हुआ, आप ज़्यादा सामान खरीद रहे हो, तब जब आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे और बेचोगे कम, तो इसका ये एक मतलब ये भी तो हुआ ना कि आपको पेमेंट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं और आपकी रिसिप्ट्स कम है, है ना। आप जो सामान खरीद रहे हो, जो इम्पोर्ट कर रहे हो, उसके बदले में आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो जो आपके भुगतान है वो अधिक है और जो आपकी प्राप्तियाँ हैं वो कम है। अब जब भुगतान अधिक होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी को खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सीडिंग इट्स सप्लाई, जितनी उसकी सप्लाई नहीं है उससे ज़्यादा आप उसके लिए डिमांड कर रहे हो, है ना, आपकी तरफ से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी को खरीदना पड़ेगा, उसकी डिमांड करनी पड़ेगी मार्केट में। तो इसीलिए जो हमारा फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई के कंपैरिजन में। देखते हैं, एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन मनी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मस्ट राइज। अब जब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा देते हो तो फिर उसके प्राइजेस में भी आपको एक तरह का हाइक देखने को मिलता है, जो उसके प्राइजेस हैं वो पहले से बढ़ने लग जाते हैं, है ना। डिमांड जब आप बढ़ाने लगते हो, आप डॉलर, बहुत ज़्यादा डॉलर खरीद रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब है ना उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब आपको क्या होगा, वही डॉलर आपको ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा आगे चल के, तो आपकी जो फॉरेन मनी है उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया।
एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मस्ट फॉल। तो जब आपकी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उसका एक मतलब ये भी है कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है, जो आपके देश की मुद्रा है, उसकी वैल्यू घटेगी, है ना। जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। इसके ऑपोजिट अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री इम्प्लाइज अ ग्रेटर डिमांड फॉर द होम करेंसी। जब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होता है, जब आप सरप्लस की कंडीशन में होते हो, तब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है। मतलब आपको जो प्राप्तियां हैं, जो मिलने वाला पैसा है वो अधिक है, और जो आपको भुगतान करना है वो कम है। 2 लाख मिलना है हमें और 1 लाख हमें देना है, तब भी हम 1 लाख के सरप्लस में चल रहे हैं, 1 लाख रुपए में ज़्यादा ही मिलना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे देश की करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बाहर की कंट्री है उसे हमें पैसे देने हैं ना। हमारी प्राप्तियाँ अधिक थी, भुगतान से अधिक हमारी प्राप्तियाँ थी। तो जो बाहर के देश हैं, सपोज हमें अमेरिका को 2 लाख रुपए देने हैं और अमेरिका से 4 लाख रुपए लेने हैं, तो अमेरिका में जो हमारी करेंसी की डिमांड होगी वो कितनी होगी, वो 4 लाख होगी, और हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड कितनी होगी, 2 लाख होगी। तो उनकी करेंसी की डिमांड कम है और हमारी करेंसी की डिमांड उनके देश में क्या है, ज़्यादा है, राइट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इट इम्प्लाइज द ग्रेटर डिमांड फॉर होम करेंसी। हमारी होम करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी इन द फॉरेन कंट्री में। देन द अवेलेबल सप्लाई, जितनी सप्लाई है उसकी कंपैरिजन में क्या हो रही है, डिमांड बढ़ी जा रही है। अब जब आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी फॉरेन कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और वैल्यू बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ, एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन मनी राइजेस। जब वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इम्प्रूव कर जाएगा, और अगर वही फॉरनर्स देखेंगे उनका एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। जो अभी हम ऊपर सेकेंड वाले पॉइंट में देख रहे थे, क्या हो रहा था, फॉल कर रहा था ना एक्सचेंज रेट, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है फॉरेन करेंसी की तब हमारा एक्सचेंज रेट फॉल करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी खुद की करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, और जब हमारी खुद की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी मतलब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब एक्सचेंज रेट इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखिए, द थ्योरी होल्ड्स दैट एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट कनोटिंग डिमांड एंड सप्लाई पोजिशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री कंसर्न्ड। एज सच द थ्योरी इज ऑल्सो डिजाइंड एज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन है वो करने के लिए इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को किससे लिंक किया है, इन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट से लिंक किया है, या आप कह लो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिमांड एंड सप्लाई से लिंक करा है ना। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके देखा है, और इसी वजह से हम इस थ्योरी को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी कहते हैं। बस आपको इस थ्योरी में मेनली कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये हमारी मॉडर्न थ्योरी है, दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि मिंट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी के बाद ये थ्योरी आई थी, तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसे दो नामों से जाना जाता है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी और बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि जहाँ पर आपका डिमांड एंड सप्लाई कट करेगा, जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो जो इक्विलिब्रियम जहाँ पर आपको मिलेगा, वहीं पर आपका प्राइस, आपकी जो करेंसी है उसका प्राइस क्या होगा, डिटरमाइन किया जाएगा। आपका जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है, वो निर्धारित की जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स ये ध्यान में रखने हैं। पहले तो आपको ये लॉ ऑफ डिमांड ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनवर्स रिलेशन था, और जो आपका कर्व, जो आपका सप्लाई कर्व है, वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और उसका रीज़न होता है कि जो आपका क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस है उसमें हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक। अब इसके कुछ, इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो ये ध्यान में रखना है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका डेफिसिट है या सरप्लस है। अब डेफिसिट तब होगा जब आपको मिलने वाले प्राप्तियां कम होंगी और देने वाला भुगतान ज़्यादा होगा। आपको भुगतान ज़्यादा करना है और आपको मिलने वाली जो प्राप्तियां हैं वो कम है, है ना। आपका एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब आपको ज़्यादा भुगतान करना है तो आप ज़्यादा फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे, और आपकी करेंसी की डिमांड फॉरेन कंट्री में क्या होगी, कम होगी।
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करोगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ने की वजह से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, प्राइजेस बढ़ने की वजह से आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा और उनका एक्सचेंज रेट इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि उनकी करेंसी का डिमांड बढ़ रहा है ना, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, उनका प्राइस बढ़ रहा है, तो जो उनकी तरफ से जो एक्सचेंज रेट है वो तो इम्प्रूव हो जाएगा, पर आपका जो वैल्यू है, आपका प्राइस है, आपकी तरफ से जो एक्सचेंज रेट है वो क्या कर जाएगा, वो फॉल कर जाएगा। तो डेफिसिट हमारे लिए एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्रतिकूल स्थिति होती है ना। और सरप्लस की कंडीशन में जब हम होते हैं तब हमें प्राप्तियाँ अधिक मिलती हैं और हमें भुगतान कम करना होता है, तो जब हमें भुगतान कम करना होगा, हमें मिलने वाली प्राप्तियाँ अधिक होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें भुगतान करना है ना, आपको प्राप्तियाँ मिलनी है का क्या मतलब हुआ, उन्हें भुगतान करना है, तो जब उन्हें भुगतान अधिक करना है तो वहाँ पर आपकी कंट्री की करेंसी का डिमांड ज़्यादा है, और जब डिमांड ज़्यादा है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, और करेंसी के स्ट्रांग होने की वजह से आपका एक्सचेंज रेट इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है, डिटरमाइन होता है, तय किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट या डिमांड और सप्लाई की कंडीशन में। यही इस थ्योरी में बताया गया है, हम कैसे कैसे क्या क्या एनालाइज करेंगे और उसके बेस पर आप कैसे अपनी कंट्री का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करोगे। इसमें अगर हम सपोज प्रतिकूल या अनुकूल स्थिति में होंगे तो वो वापस से संतुलन की स्थिति में हमें ले आएगा, जैसे कि मिंट पैरिटी में और परचेजिंग पावर में आप देख रहे थे ना, वापस से आप इक्विलिब्रियम पे आ जा रहे थे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी।